देश का दिल, राजधानी दिल्ली। दिल्ली से पूरे देश के फैसले होते हैं और दिल्ली के दिल के सबसे करीब एक समय जम्मू कश्मीर रहा करता था। राजनीतिक तौर पर देश की उठापटक के लिए बहुत हद तक जम्मू कश्मीर के हालात जिम्मेदार हुआ करते थे। आज भी परिस्थितियां वैसी ही हैं, ज्यादा कोई बड़ा परिवर्तन आया नहीं है, लेकिन आज की दिल्ली में और आज से जो लगभग 10 साल पहले वाली दिल्ली थी उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आतंकवाद पर अंकुश और अलगाववाद की किताब को मुकम्मल तौर पर बंद करना, यह पहली प्राथमिकता नई दिल्ली की है और उसके बाद प्राथमिकता है जम्मू कश्मीर का विकास। नई दिल्ली में जिस भी खाने में आप जाएंगे आपको जम्मू कश्मीर के विकास के प्रति चिंतित हर व्यक्ति नजर आता है। बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, हर एक आपको यह बताता है कि जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बहानी है, जम्मू कश्मीर में वो परिवर्तन लाना है जिस परिवर्तन के बारे में जम्मू कश्मीर के लोग एक समय सिर्फ सोचा करते थे। हम वो परिवर्तन ला के रहेंगे, ये बात नई दिल्ली में सुनाई देती है। और ये गनगरज भी कि लोकतंत्र को जम्मू कश्मीर में मजबूत करना है, निचले स्तंभ को सबसे ज्यादा मजबूत करना है। मगर 5 अगस्त 2019 को जब 370 धारा 370 को खत्म किया गया, आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, उसके बाद से लेकर आज 5 साल गुजर चुके हैं, हम 6ठे साल में अब जाने वाले हैं। लोकतंत्र का एक एक ढांचा आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है, लोकतंत्र का एक एक ढांचा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर में जनवरी 2024 के बाद केवल 5 लोग होंगे जो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की निशानी होंगे। ये 5 लोग होंगे वो 5 लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लोग और भारतीय जनता पार्टी के जुगल किशोर और भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र में पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये 5 लोग जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी नई दिल्ली में करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के पास उनका अपना कोई नुमाइंदा लोकल स्तर पर नहीं बचेगा। कॉरपोरेशनों की मियाद, जम्मू और श्रीनगर की कॉरपोरेशनों की मियाद जो है वो 5 नवंबर को और 15 नवंबर को खत्म हो रही है। कमिटियों और काउंसिलों की मियाद 28 अक्टूबर से खत्म होना शुरू हो जाएगी और दिसंबर तक ये आहिस्ता आहिस्ता सारी कमिटियां और काउंसिलें खत्म हो जाएंगी। जनवरी के महीने में पंचायतें भी खत्म हो जाएंगी, उसके बाद बचेगा बीडीसी और डीडीसी का इंस्टीट्यूशन। लेकिन बिना पंचायतों के बीडीसी और डीडीसी क्या करेंगे ये समझ से परे है। बीडीसी और डीडीसी के इंस्टीट्यूशन में पंचों और सरपंचों का बड़ा अहम रोल है, लेकिन जब पंच और सरपंच नहीं रहेंगे तो बीडीसी और डीडीसी क्या करेंगे, कैसे फंक्शन करेंगे और उसके लिए क्या रास्ता तय करेगी जम्मू कश्मीर की सरकार, ये किसी की समझ में नहीं है। बहुत सारे लोग इसको गंभीरता के साथ ले ही नहीं रहे हैं, वो ये सोच भी नहीं रहे कि डीडीसी का इंस्टीट्यूशन और बीडीसी का इंस्टीट्यूशन उसी पंचायती राज के कानून से निकला है जिस पंचायती राज के कानून की रीढ़ की हड्डी पंच और सरपंच है। जब पंच और सरपंच नहीं रहेंगे तो बेस जब नहीं रहेगी तो उसके ऊपर आपका मकान कैसे खड़ा रहेगा, वो मकान काम कैसे करेगा, बीडीसी काम कैसे करेगा, डीडीसी काम कैसे करेगा, बीडीसी का लोकतांत्रिक तौर पर और कानूनी तौर पर स्थिति क्या हो जाएगी। और उसके बाद क्या यह अजीब नहीं होगा कि मार्च और अप्रैल के महीने में जब बीडीसी और जब पंचायतों के चुनाव होंगे, नए पंच और सरपंच चुने जाएंगे, लेकिन पुराने बीडीसी और डीडीसी के साथ मिलकर उनको काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे निचले लेवल पर पंच और सरपंच हैं जो काम करते हैं। जब पंच और सरपंच का इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा, निचले स्तर पर गांव के आम लोगों के साथ संवाद करने का काम कौन करेगा? म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल काउंसिल और कमेटियां शहरों के विकास को देख रही हैं। अगर ये म्युनिसिपैलिटियां, म्युनिसिपल कमेटियां और कॉरपोरेशन नहीं रहेंगी तो शहरों के विकास को लेकर आम जनता की जो राय है उस राय को सरकार तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? क्या ये जिम्मेदारी भी मीडिया पर डाल दी जाएगी? क्या ये जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया पर जो एक्टिव है क्या उन पर डाल दी जाएगी? कैसे चलेगा ये सिस्टम? ये वो सवाल है जिन सवालों पर गंभीरता के साथ
नई दिल्ली को विचार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि नई दिल्ली इस समय आतंकवाद की लड़ाई और अलगाववाद की लड़ाई लड़ने में, पाकिस्तान को कंटेन करने में और जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने में व्यस्त है। और इस लड़ाई के बीच में पंचायतें, म्युनिसिपैलिटियां और लोकल गवर्नेंस को लेकर शायद इतनी गंभीरता नई दिल्ली में नहीं है। कुछ एक लोगों से नई दिल्ली में बात हुई, उनसे मैंने जब पूछा, मैंने कहा पंचायतों और म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव तो कराए जाने चाहिए थे ताकि कम से कम लोकल गवर्नेंस तो उसी तरीके से रहती और वैक्यूम ना बनता आम लोगों और जनता के भी, आम लोगों और सरकार के बीच में। तो जवाब यह था कि ऑलरेडी उस चीज का हम लोगों ने रास्ता निकाल दिया है, पब्लिक दरबार लगेंगे और जो सरकार के सचिव हैं वो इन पब्लिक दरबारों में जाएंगे, आम जनता की दिक्कतें और परेशानियां सीधा सुनेंगे और उसके बाद सरकार उनका निपटारा करेगी। यानी जो ये पब्लिक दरबार शुरू हुए हैं ये एक तरह से बदल है म्युनिसिपैलिटी का और पंचायतों का। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, बाबू सरकारी अफसर, आईएएस और आईपीएस बाबू, इनके पेशेंस का लेवल और एक आम जनता के नुमाइंदे के पेशेंस के लेवल में जमीन आसमान का अंतर है। अफसर एक हद तक एक आदमी की बात बर्दाश्त कर सकता है, बात करने के तरीके पर आपत्ति एक हद तक नहीं जताएगा, लेकिन एक हद के बाद वो आपत्ति जताएगा। ये चीजें आम जनता के नुमाइंदों में नहीं होती हैं। जहां जम्मू कश्मीर को एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे की जरूरत अब सबसे ज्यादा है, जब आतंकवाद और अलगाववाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी आखिरी सांसें जम्मू कश्मीर में ले रहे हैं, वहीं पर म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनावों को डिले करना साफ तौर पर यह बताता है कि नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग में आतंकवाद और अलगाववाद और पाकिस्तान को कंटेन करना प्रायोरिटाइज्ड है और उसमें आम जनता को लेकर, खासतौर पर पंचायतों और म्युनिसिपैलिटियों को लेकर जो कनेक्ट आम जनता और सरकार के बीच में, उस कनेक्ट को और मजबूत करना, इन इंस्टीट्यूशनों को, इन इंस्टीट्यूशनों की जड़ें और ज्यादा मजबूत करना, ऐसा लगता है कि वो प्राथमिकता में नहीं है। अगर वो प्राथमिकता में होता तो शायद सरकार ने पंचायतों और म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव अभी तक करा दिए होते। अब देखना यह होगा कि क्या अगर सरकार पंचायतों और म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव नहीं कराती है तो क्या सरकार लोकसभा के चुनाव के बाद इन सभी चुनावों को एक साथ करवाएगी। और यह भी आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब भी कोई लोकतांत्रिक सरकार बनी और अगर उसमें क्षेत्रीय दल की का भाग रहा तो फिर संभवतः जम्मू कश्मीर में न पंचायतों के कभी चुनाव होंगे, न म्युनिसिपैलिटियों के कभी चुनाव होंगे, क्योंकि इतिहास में यह सब कुछ हो चुका है। 2010 में म्युनिसिपैलिटियों का टेन्योर खत्म हुआ, 4 साल तक सरकार ने चुनाव नहीं कराए क्योंकि एमएलए कह रहे थे कि कॉरपोरेटर बने तो हम क्या करेंगे। तो लोकतंत्र के इस सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ को मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार पुनर्विचार करे गंभीरता के साथ म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनावों को लेकर, ताकि जो आम जनता और सरकार के बीच में इस वक्त संवाद का एक आखिरी रास्ता बचा है, वो संवाद का रास्ता जो है इसी तरीके से खुला रहे। वरना अगर आप सोचेंगे 5 MP जो हैं वो म्युनिसिपैलिटियों, पंचायतों और कॉरपोरेशनों और कमिटियों को रिप्लेस कर सकते हैं, मुमकिन नहीं है। सारे ऑफिसर्स के पास बहुत सारा और भी काम करने के लिए है, वो पब्लिक दरबार करते रहेंगे तो सरकार का काम कौन करेगा।